दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामल, आपका मेरे नए ब्लॉग पे स्वागत है। आज मैं आपको पटना का जो जू है वहां ले चलेंगे, वहां हम देखेंगे कि कैसे जाना है, इसके अलावा क्या उसमें टिकट है, कौन कौन से जानवर हैं और किस स्थिति में रहें, सारी बातों की जानकारी हम देंगे। इसके लिए आप इसको कंटिन्यू बने रहें इस पर, और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना। तो चलिए हम चलते हैं। पटना जू का पूरा नाम संजय गांधी बायोलॉजिकल पार्क है, जो कि बेली रोड राजभवन के पास है। ऐसे पूरा एड्रेस जानने के लिए आप गूगल में जाकर के सर्च कर सकते हैं। पटना का जू जाने के लिए दो गेट है, एक तो गेट नंबर 1 है जो कि बेली रोड के पास है और दूसरा राजभवन के पास है। तो ऐसे हम 2 नंबर गेट से गए थे, क्योंकि वहाँ पे भीड़ कम था और यहाँ पे भीड़ काफ़ी अधिक थी, इस वजह से ऐसे आप 1 नंबर से ही जाने की कोशिश करें। इसका जो टिकट है वो 20 रुपया पर पर्सन है, जिसमें कि 10 रुपया बच्चों के लिए है, जो कि 5 से लेकर के ऊपर तक के बच्चे हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पटना का जो जू है वो मंडे को क्लोज रहता है और इसका जो टाइमिंग है सुबह के 6 बजे से 5 बजे तक, जो कि नवंबर और फरवरी में है, और मार्च से अक्टूबर तक सुबह 5 बजे से शाम के 6 बजे। यहाँ पे लोग सुबह में मॉर्निंग वॉक के लिए भी जाते हैं। पटना चिड़ियाघर लुप्त प्राय प्रजातियों का संरक्षण देने के लिए उचित प्रयास करता है और इसने कैप्टिव ब्रीडिंग में काफ़ी सफलता भी हासिल की है। वर्तमान में यह चिड़ियाघर चीता, तेंदुआ, क्लाउडेड तेंदुआ, दरियाई घोड़ा, मगरमच्छ, हाथी, हिमालयी काला भालू की 100 प्रजातियों में 800 जानवर यहाँ रहते हैं। यह चिड़ियाघर एक बोटेनिकल गार्डन था और इसलिए इसमें पेड़ों, जड़ी बूटियों और झाड़ियों की 300 से अधिक प्रजातियां हैं। इस पार्क में एक्वेरियम भी है जिसमें कि मछलियों की 35 प्रजातियां हैं और एक सांप घर भी है जिसमें कि 5 प्रजातियों में 32 सांप हैं। तक हमने बहुत मस्ती की और एंजल भी मेरे साथ है, और ये देखिए एंजल है और इसने भी हमारे साथ खूब मस्ती की है, खूब खेला है। और अभी हम बहुत सारे जानवर देखने वाले हैं, जिसमें कि अभी हम कौन कौन सा जानवर बेटा देखा है? अभी हमने जिराफ देखा है, हाथी देखा है, भैंस देखा है, और क्या क्या देखा? फिश। हाँ, फिश, अलग अलग तरीके के छोटे बड़े, क्रोकोडाइल, लोटस। और क्या देखा? जब उस समय हम आ रहे थे तो फुहारा एक बहुत बड़ा था। हाँ, बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, और बोट भी चल रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था बोटों के बीच में चलने में, हमें एक साइड लोटस, एक साइड बोट। हम लोग पार्क में भी बैठे हुए थे। हाँ, अभी बैठे हुए हैं और पार्क में खेल रहे हैं, पानी भी है वहाँ पे। कितना अच्छा लगा था फुहारा पीने में, ऐसे करके मुँह में डाल के जैसे पी रहे थे आप। वहाँ पे पाइप थी, उससे पानी पी सकते थे पौधों ले, इतना ठंडा पानी था, बहुत मजा आया मुझे तो। और एक पेड़ पे भी तुमने चढ़ा था बेटा? हाँ, वो भी बहुत था। अच्छा था पेड़? पीछे पेड़ वो हमारा, इसके पीछे वहाँ पे। और अभी हम आराम कर रहे हैं, नाश्ता भी किया हमने। हाँ, और अब फिर से हम अपना लंबा एडवेंचर शुरू करेंगे। चलिए हम आगे और दिखाते हैं, और एंजल भी दिखाएगी, इसका भी एक छोटा सा चैनल है, लेकिन मेरे इसका चैनल का नाम है एंजल रॉय। मेरे चैनल का नाम एंजल रॉय क्यों रखा है? तुम्हारा नाम ही है वही एंजल रॉय प्लस, है ना? और आपका? आपका तो मेरा नाम है सुरजीत श्यामल। तो आपका है WW1? वो तो दूसरा चैनल है ना, बॉल जाके दे दो उसको। कहाँ गया बॉल? उसके जाके दे दो। इधर 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 इधर
क्योंकि वो लोग उधर से ना। चलिए हम आगे दिखाते हैं आपको, और अभी ढेर सारी मछली करनी बाकी है। बाकी है ये चिड़ियाखाना में घूमिए, जानवरों से मिलिए, और इसके ऊपर हमेशा थोड़ी थोड़ी देर पे क्या होता है हवाई जहाज पास करते हैं। और यहाँ पे टॉय ट्रेन भी था लेकिन अब वो भी बंद हो गया। लेकिन टॉय ट्रेन होता तो हम चढ़ते। बोटिंग भी है ना, बोटिंग, लेकिन हम बोटिंग में नहीं गए, बहुत गर्मी थी, धूप थी, उसको चलाने में कितना मुश्किल। चलो हम आगे चलते घूमते। हम चूँकि यहाँ गर्मी के दिन में गए थे तो जानवर अंदर काफ़ी परेशान थे गर्मी से, इसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाए थे, इसकी वजह हम पूरा घूम भी नहीं पाए। और चूँकि घूमते घूमते पूरा टाइम निकल गया, तो इसमें एक चिड़िया का जो है वो भी हमने नहीं देखा, शेर भी हमने नहीं देखा, चीता भी हमने नहीं देखा। ऐसे आप जब भी जाएँ तो ये देख सकते हैं।